वेलकम बैक सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और इन दिनों में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज होती है कि जब हमें लाइव मैचेस जो हैं वो देखने के लिए मिले। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। और अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल पहला वनडे खेला जाएगा। दोनों टीमें जो हैं सेंचुरियन में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान ने वहां पर प्रैक्टिस भी भरपूर की और हमें उम्मीद भी यही है कि भरपूर जो है पाकिस्तान खेल पेश करेगा। अब प्लेइंग 11 की बहस चल रही है। अब्दुल गफार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तजिया कार है, उनसे जानने करते हैं। गफार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बताइएगा प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या सरफराज अहमद की वाकई वापसी होने जा रही है? वालेकुम सलाम हमजा एंड फरहान, आप तमाम जितने देखने वाले हैं। और नहीं, मेरे ख्याल में शायद खबरें तो जरूर चल रही हैं, कंसल्टेशन भी है कि शायद सरफराज को रात को उनकी जो हालिया फॉर्म थी पीएसएल में हमजा बहुत अच्छी रही और बड़ी अटैकिंग क्रिएट कह रहे थे, बट मुझे लगता है कि दानिश अजीज का डेब्यू हो जाएगा जो अब तक खबरें आ रही हैं। और हसन अली जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की 11 में सीधे सीधे वॉक इन होते हैं, पर चूंकि अभी कोविड से रिकवर्ड हुए हैं और फिर आपको याद होगा कि लाहौर में प्रैक्टिस सेशन भी सबसे आखिर में ज्वाइन किया था, आपके साथ आखिरी जो गुफ्तगू हुई थी वो भी अफजा इसी हवाले से हुई थी, तो उनको भी शायद पहले या दूसरे मैच दोनों में रेस्ट ही करवाया जा रहा है ताकि वो फौरन, आपको पता है कोविड के बाद जो इंसान है वो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको अपने, बल्कि किसी भी बीमारी के बाद, मलेरिया कोविड तो खैर ज्यादा आपको पता है कि इसमें एक एलिमेंट रहता है कि आपकी जो रिकवरीज हैं वो हो जाएं। तो ये दो मेजर चीजें मुझे लग रहा है कि हसन एक तो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल में कल, और सरफराज को मुझे नहीं लगता, मेरे पास जो खबरें शायद आज एक आखिरी प्रैक्टिस सेशन करना है, कोई टीम मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए, बट आई थिंक दानिश अजीज का डेब्यू मुझे लग रहा है हमजा हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा तेज और बाउंसी पिचेस जो हैं ये हमेशा से हमारी एकिलेस हील है हमारी, वहाँ पे हमारे बैट्समैन सारे ढेर हो जाते हैं, तो इस दफा क्या इस दौरे पे क्या आपको लग रहे हैं ओडीआईज हमारे कैसे जाएंगे और ये बैट्समैन भी हमारे कोई जादू जगा पाएंगे या फिर हमें सिर्फ बॉलर्स के ऊपर ही चलना होगा? देखिए पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड जब भी जाए तो एक डर पहले से महसूस हो रहा होता है बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। आपको पता है कि हमारे वहाँ जो इन पिचेस पे हमारी जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल करते हैं। 50 मैचेस जनाब हम हारे हुए हैं, 29 हमने जीते हुए हैं, इसी तरह तकरीबन 21 मुझे याद पड़ रहा है कि हम साउथ अफ्रीका में मैचेस हारे हैं और सिर्फ 12 या 13-14 इसी तरह जीते हैं, तो रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि साउथ अफ्रीका को जो हमने रिसेंटली हराया, फिर जो पाकिस्तान की टीम ने ऑब्वियसली कुछ यंगस्टर्स को शामिल किया है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होके ही मैं सोचता हूँ थोड़ा सा जब हमारे यंगस्टर्स खेलते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट रहा है हमारा फरा और हमजा कि हमारे जब यंगस्टर्स खेलते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक स्टार मेकिंग हमारी हो रही होती है, कि यंगस्टर इम्प्रेस करता है। अच्छा पहले दो मैचेस में मुश्किल होगा क्योंकि आपको पता है फुल स्ट्रेंथ खेल रही है साउथ अफ्रीका की, पहले दो मैचेस में साउथ अफ्रीका विल बी फुल स्ट्रेंथ, उसके बाद इनके प्लेयर्स चले जाएंगे आईपीएल में, तो अगर हम कोई एक मैच भी जीत लेते हैं पहले दो में से तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट एक कहते हैं ना एक अच्छी है सिचुएशन होगी जिसमें हम होंगे, क्योंकि उसके बाद तो देखें उनके सारे की प्लेयर्स नहीं होंगे, रबादा, क्विंटन डिकॉक, फाफ डी प्लेसिस, इसके अलावा उनके पास जितने और अच्छे प्लेयर हैं, फिर T20 में तो पूरी टीम ही उनकी नहीं है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले दो मैचेस में तक हम कोई एक भी जीत जाते हैं 1-1 वाली सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान आगे चल के जो है साउथ अफ्रीका को पकड़ सकता है, बट अगर दो मैचेस हार जाते हैं डीमोरलाइज ना हो जाए तो पहले दो मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल ठीक है, पहले दो मैचेस इंपॉर्टेंट हैं। ओपनिंग पेयर क्या हो सकता है हमारे पास और हैदर अली की जगह बन रही है टीम में, अगर वन डाउन आते हैं बाबर आजम तो क्या उनको टू डाउन भेजा जाएगा या उनको ओपनिंग के लिए प्रमोट किया जा सकता है ट्राई करने के लिए? नहीं, मेरा नहीं, मेरे ख्याल में जो अब तक खबरें आई हैं उसमें हैदर का नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप भारत इंग्लैंड की रिसेंट सीरीज देखें दोनों टीमों ने अपने यंगस्टर्स को कितना चांस दिया, क्यों दिया, वर्ल्ड T20 है इस साल, उनको पता है कि यही बड़ी सीरीज है ना, दिस इज द हैदर डेवलपमेंट चांस जहाँ पे आप हैदर को खिलाएं ताकि अगर उसने खुदा ना खास्ता अगर उसको स्ट्रगल भी करनी होगी तो यहाँ से सीखेगा और अगर यहाँ रन करती है यहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा, तो देखिए आपको फ्यूचर पे यही तो इन्वेस्ट करना होता है। अब आपका वर्ल्ड कप 2023 का 2-3 साल बाद है, हफीज शुएब मलिक को आप खिलाते नहीं है तो आप फिर किसको डेवलप कर रहे हैं, दिस इज योर चांस कि आप यहाँ पर लड़कों को डेवलप करें। इमाम और फखर के साथ हमारी ओपनिंग होने जा रही है, उसके बाद बाबर आजम होंगे, रिजवान को नंबर 4 पे खिलाने का इरादा है, फिर दानिश अजीज हैं, आसिफ अली को भी आप खिला रहे हैं, उसके साथ साथ फिर अगर आप देखें आगे चल के तो फिर पाकिस्तान के पास शादाब मौजूद हैं आपके पास, उसकी तरह फहीम अशरफ तो ऑब्वियसली खेलेंगे ही, और फिर 3 फास्ट बॉलर हारिस हैं,
हसनैन है, और इसी तरह अगर आप देखें तो फिर मोहम्मद हसनैन को मुझे लग रहा है चले ब्लेसिंग इन डिसगाइज उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि हसन अली जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हसनैन पहली मर्तबा फर्स्ट चॉइस शायद खेल लेंगे पहले दो मैचेस। अच्छा ठीक है गफार भाई, द प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया कि मोहम्मद नवाज के हम क्या फैसला करते हैं, हम इमाद वसीम को नहीं लेके जा रहे हैं, हम मोहम्मद नवाज को लेके जा रहे हैं वहां पर इमाद वसीम की जगह, क्या उनकी आप देखते हैं कि जगह बनती है पाकिस्तान की टीम के अंदर अभी, और अब्दुल्ला शफीक क्या ऐसी वापस आ जाएंगे बगैर खेले? अब्दुल्ला शफीक को शुरू में तो चांस नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह यही है कि इमाम और फखर खेल रहे हैं, और इमाद वसीम पर टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत हैरत है, क्योंकि अगर आप देखें तो मोहम्मद नवाज तीनों फॉर्मेट में आ जाते हैं एकदम से, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इमाद वसीम जो कि हमारे ऑब्वियसली आप देखें ना काफ़ी हमें तीन चार साल से सबसे ज़्यादा उन्होंने ही क्रिकेट खेली है बतौर ऑलराउंडर शादाब खान से भी ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हार्श है कि उनको आप दोनों फॉर्मेट से वनडे T20 से आप उन्हें खुदाफिस कह के और नवाज पे तीनों में आ जाएं। अब आप भी हमजा अच्छी खासी क्रिकेट फॉलो करते हैं, नवाज का मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी कि वो तीनों फॉर्मेट में एकदम वापस आ जाएं, एक में वापस आते दो में आते चले ठीक था, बट पाकिस्तान क्रिकेट है, लेकिन चले मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, सपोर्ट करता हूँ जब सीरीज शुरू होने जा रही हो कि हम सपोर्ट करें, आई विश कि पाकिस्तान अच्छा आगाज करे। मैं फिर रिपीट करूंगा पहले दो मैचेस गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहीं पे आपका मोमेंटम बनेगा और उसके बाद साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स नहीं होंगे उनके पास, तो अल्लाह करे कि हम इन दोनों में से कोई एक मैच भी जीतें तो इससे हमारी टीम को हौसला मिलेगा, और फिर जब उनके की प्लेयर्स नहीं होंगे और फिर हम उसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा गफार साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो बाबर आजम को दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके भी बड़े गिले शिकवे चल रहे थे ना कि मुझसे भी तो कोई पूछे, मैं भी तो कैप्टन हूँ, तो उनकी कितनी से है इस वक्त जो टीम और स्क्वाड गया है, वो खुश हैं इस सिलेक्शन से, और आप समझ रहे हैं कि एक बैलेंस स्क्वाड है जो कि वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को? देखिए खुश तो वो नहीं थे, इसलिए वो खबरें भी चली, इसीलिए वो बाबर ने आप ही कहा कि कमरे की बातें कमरे में ही रहती तो अच्छा था, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली चले वट एवर जो भी हुआ, लेकिन अब चूंकि टीम कल उधर ही होगी, आई थिंक बाबर भी अब इस चीज़ को भूल चुके होंगे। अच्छी बात यह है प्रिपरेशन अच्छी होगी आपकी, क्योंकि लाहौर में कैंप लगा, बायोसिक्योर मेंटेन हुआ, इस वक्त तो सबसे पहले क्रिकेट शुरू होने से पहले भी, बल्कि मैं अगेन मेरे आपके प्लेटफॉर्म से मैं आप लोग भी यकीन तौर पर इससे बात कर चुके होंगे कि ज़रूर सब लोग अपने मास्क पहने ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट से पहले किसी भी चीज़ से पहले इस जिंदगी की बड़ी अहमियत है और इसी से सब कुछ है, और यहाँ भी हम इसका जिक्र करेंगे कि बायोसिक्योर मेंटेन रहा पाकिस्तान की टीम, लाहौर में अच्छी खासी प्रैक्टिस की गई है, प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, वहाँ भी मौसम अच्छा मिल गया, वरना आपको पता है कभी इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जाएं तो बारिश की वजह से कभी आपको प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता, पर तीन चार अच्छे प्रैक्टिस सेशन हो गए, आज भी टीम ने प्रैक्टिस करनी है, तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में और साउथ अफ्रीका में जाकर भी प्रैक्टिस करने का मौका मिला। आई थिंक कि वो जो बातें फरा पूछ रही हैं यकीन तौर पर वो मौजूद थी, उसमें बाबर को रिजर्वेशन थी, बट आई थिंक बाबर भी शायद उन चीज़ों को भूल चुके होंगे। अब कहते हैं ना कि नया दिन है, नई सीरीज है, नई उम्मीदें होनी चाहिए, बाबर को फुल सपोर्ट करनी चाहिए हम सबको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, सिलेक्टिव सिलेक्टर साहब को भी, ठीक है बाबर भूल चुके होंगे और भूलने के अलावा चारा भी उनके पास कोई नहीं था। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब, आप सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बने, उम्मीद रखते हैं कि जो भी प्लेइंग 11 हो पाकिस्तान बेहतरीन खेल पेश करे और जीते। बिल्कुल, वी विश ऑल द बेस्ट टू शाहीन 11 और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।